गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल असाइनमेंट 4. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट. आज मैं असाइनमेंट 5 स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे क्या है, एस्टिमेशंस. ए राउंडेड नंबर इज ईजी टू रिमेंबर एंड इट ए कन्वीनियंट एंड फाइनली नंबर फॉर कैलकुलेशंस. नंबर कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इन 100,000 एंड 10,000 एंड सो ऑन. और सिंबल, इस तरह का जो सिंबल है इज द सिंबल यूज टू एस्टिमेशन. तरह के सिंबल को एस्टिमेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. राउंडेड नंबर से आपका क्या हो जाता है, किसी चीज़ को कन्वर्ट करने में, कैलकुलेशन करने में आपको ईजी हो जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 करना है आपको. यहाँ पे क्या है, 73. अगर मेरा 74 तक अगर नंबर आता है तो उसको 65 से और 74 के बीच का अगर नंबर रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 70. नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा उसका, 70. अब यहाँ पे क्या है, 24 नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा उसका, 20. अब यहाँ पे क्या है, 241. 41 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, 240. ठीक है, उसी तरह से हम सभी को सर नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व की हूँ. 249. 49 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 49 का, तो 50 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 250. अब यहाँ पे क्या है, 2314 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2310 हो जाएगा मेरा आंसर. अब मैं नेक्स्ट में देखती हूँ. 7123. 23 है तो इसका राउंडेड क्या हो जाएगा मेरा, 20. नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 20. तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7120. 99 किसके करीब है, नियरेस्ट 10 किसके करीब है, तो 100 के करीब है. अब यहाँ पे क्या है, 9991. तो सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, 991. तो 991 को क्या लिखेंगे हम, 990. उसी तरह से 525 क्या हो जाएगा मेरा, 25 है तो नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा मेरा, 30. तो यानी कि 530 इसको इस तरह से लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. अब 100 के नियरेस्ट लिखना है. यहाँ पे क्या है, 191, यानी कि 150 से ज़्यादा अगर रहेगा तो नंबर के मेरा ये नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, 599, तो 99 किसके करीब हो जाएगा, 600 के करीब हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, 3311, तो 311, तो 300 के आसपास हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा, 3300. अब यहाँ पे 999 है तो क्या किसके करीब हो जाएगा, 1000 के करीब. यहाँ पे क्या है, 5375 है, इसको हम किसके करीब लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या, तो क्या हो जाएगा मेरा, 5400 के करीब हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, 4324, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, 4300 हो जाएगा सर मेरा. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या है, 7642, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 7600, इसको किस तरह लिखेंगे, 7600. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8921, तो इसको किस तरह, इसका राउंडेड क्या हो जाएगा, तो 921 का राउंडेड क्या हो जाएगा, 900. तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर 8000 लगा देते तो दोनों में 8000 आगे लगाएंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8900. इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा. अब एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. अब 1000 के नियरेस्ट देखना है, यहाँ क्या है, 5101, यानी कि किसके नियरेस्ट हो जाएगा मेरा, 5000. यहाँ 43 है, 43
195 है, तो ये किसके 43 किसके हो गए, तो 4000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 67, तो 6000 मेरा प्लेस भी क्या है 6 है, उसके बाद क्या 100 प्लेस में 7 है, तो ये किसके करीब हो जाएगा मेरा 7000 के, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7000। इसी तरह से अब यहाँ पे डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या है 5477000 प्लेस में क्या है, तो 5 है, 5 और 4 54 है, 54 किसके करीब 50 के करीब, तो 5000 हो जाएगा मेरा। इसी तरह से ई नंबर यहाँ पे क्या है मेरा 4223, 1000 प्लेस पे क्या है तो 4 है, 100 प्लेस पे 42 किसके करीब हो जाएगा 40 के करीब, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4000। यहाँ पे एफ नंबर यहाँ पे 1954, तो 1000 प्लेस पे क्या है मेरा 1 है और 100 प्लेस पे 9 है, तो ये किसके करीब हो जाएगा 220 के करीब, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा 7289 है, इसके किसके करीब होगा 7000 करने से 3453 3000 के करीब। सबसे आप अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट पे, असाइनमेंट 6 एस्टिमेटिंग द सम एंड द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एस्टिमेटिंग द सम बाय राउंडिंग ऑफ। अब क्या करना है इसमें, सम करना है, राउंड ऑफ ईच नंबर्स दैट इज टू बी एडेड, एड द राउंडेड नंबर्स। उसकी तरह एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट द राउंडेड नंबर्स। अब यहाँ पहला सवाल देखते हैं, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। उसके बाद है हमको एक्चुअल सम भी निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 देखेंगे, तो यहाँ क्या है 4567, 100 प्लेस पे क्या है 5 है और 10 प्लेस में 6 है, तो मेरा नियरेस्ट क्या हो जाएगा इसका 60, तो क्या हो जाएगा 4600। और उसके बाद क्या है 2643, ये किसके करीब हो जाएगा मेरा 100 प्लेस में क्या है 6 है और 10 प्लेस में 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2600 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 12672 हो जाएगा मेरा 7200 के, ये मेरा क्या होगा एस्टिमेट सम होगा। ठीक है, अब एक्चुअल सम के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 4567 में 2643 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 11 12 6 एंड 7, तो मेरा एक्चुअल सम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बनाई हुई हूँ, ठीक है, इस तरह से आप बना दीजिएगा। सॉल्व की हूँ एस्टिमेट सम एंड एक्चुअल सम दोनों को सम करके सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसी तरह से एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, अब यहाँ पे क्या नियरेस्ट 1000 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम, उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, तो यहाँ पे क्या है 21452 नियरेस्ट 1000, 1000 प्लेस में क्या है 14 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 21000 और इसके बाद क्या नीचे 58463, 1000 प्लेस में क्या है 84, तो मेरा क्या हो जाएगा 84 है, तो मेरा आंसर मेरा आंसर 58800, तो मेरा एस्टिमेट सम क्या हो जाएगा 79000 यहाँ पे, और एक्चुअल सम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस, उसको भी इसी तरह करना है, नियरेस्ट 100 इसका 100 क्या हो जाएगा तो
28,400 हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा 17,200, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17,200, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या करना है हमको, डिफरेंस करना है यानी कि अंतर करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था मेरा 28,400 हो गया और इसका क्या हो जाएगा मेरा 17,023 है तो मेरा 200, अब दोनों में डिफरेंस कर देंगे 0072 8 में से 1 1, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 11,200। और एक्चुअल डिफरेंस कर देंगे, एक्चुअल डिफरेंस इस तरह कर देंगे 28,350 में से 17,235, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 10, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा मेरा 5, यहाँ 1 1 1 1, तो मेरा यही एक्चुअल सम एक्चुअल डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा, इसको भी इसी तरह से एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द नियरेस्ट, यहाँ पे क्या करना है 1000 का करना है, 1000 प्लेस में क्या है यहाँ पे 03 है, तो क्या लिखेंगे मेरा 20,000, यहाँ पे क्या है 82 क्या हो जाएगा मेरा 80 के करीब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,000, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2000, एक्चुअल डिफरेंस 2110। इस तरह से सॉल्व कर दिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में, असाइनमेंट 7। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बाइसिकल कंपनी सोल्ड, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बाइसिकल कंपनी सोल्ड 12,830 बाइसिकल इन अप्रैल और 10,372 बाइसिकल इन जून, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द 2 मंथ्स। यहाँ पे करना कह रहा है कि अप्रैल में कितना बाइसिकल बनाती है, तो 12,813, यहाँ पे लिख देंगे हम 12,813, और जून में कितना बनाती है तो 10,372। अब यहाँ पे कितना 2 महीना में वो कितना बाइसिकल बनाए, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5, 8, 11, 3, 2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 23,185। अब हम आएंगे इस तरह से, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व की हूँ। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए स्कूल कार्निवल मुस्कान सोल्ड कितना टिकट बेचती है, 345 टिकट्स, एंड लक्षिता सोल्ड 387 टिकट्स, एंड आदित्य सोल्ड 416 टिकट्स, हाउ मेनी टिकट्स डिड द 3 स्टूडेंट्स सेल टुगेदर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मतलब, एक फेस्टिवल हो रहा है स्कूल में, उसमें क्या है सभी लोग, सभी मुस्कान है, लक्षिता और आदित्य जो है ना टिकट बेचे, तो कितना सेल हुआ उसके बारे में पूछ रहे थे, क्या करेंगे सभी को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा मेरा 1,148 आंसर आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द कॉस्ट ऑफ ए टी शर्ट, टी शर्ट का कॉस्ट क्या है, ₹999 ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन आता है तो क्या हो जाता है, इट वॉज सोल्ड एट द स्पेशल प्राइस ₹775 फॉर हाउ मच लेस देन, यहाँ पे क्या है लेस देन इट कॉस्ट वॉज द टी शर्ट सोल्ड, तो कितना लेस देन करके बेचा गया, तो इसके क्या करेंगे 999 में से 775 माइनस कर देंगे, तो यहाँ मेरा जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इतना लेस करके हम टी शर्ट को बेचे तो 224 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ए फार्मर स्पेंड ₹8,200 फॉर ए ट्यूबवेल, ठीक है, ही गॉट ₹4,500 एज ए लोन फॉर ए बैंक, वो बैंक से लोन लिया, हाउ मच डिड ही स्पेंड फॉर हिज पॉकेट, वो अपने
पॉकेट से कितना स्पेंड किया, खर्च किया, तो क्या करेंगे, ट्यूबवेल का दाम कितना था 8,200, इसको क्या करेंगे, इसको रुपीज़ 8,200 में से माइनस कर देंगे 4,500, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मैं 37, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3,700, तो मेरा आंसर क्या, इसको इस तरह से सबट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉस्ट ऑफ द टू सेकेंड हैंड बाइक्स आर, क्या कॉस्ट है सेकेंड हैंड बाइक्स का, तो एक है, एक का दाम है कितना 8,845 एंड दूसरे का क्या दाम है 13,900 रेस्पेक्टली, फाइंड द टोटल, यहाँ पे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ द बाइक्स, तो दोनों बाइक्स का क्या कॉस्ट है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, लिख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐड करने पे क्या आ जा रहा है 22,745, इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना हम सबट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम इतना से 12,800 से टू गेट 984, तो क्या पाते हैं 9,847, तो यह क्या करेंगे, इस नंबर से कोई नंबर को हम x मान लेते हैं, उसे सबट्रैक्ट करते हैं, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के लिए x को क्या करेंगे इज इक्वल टू के इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, और इस डिजिट को यहाँ पे ला देंगे x वाले स्थान पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इधर इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2,953। ओके, तो इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने सबट्रैक्ट किया, इससे सॉल्व कर दीजिएगा, हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इस बेस की पिक्चर को देखते हुए आंसर आपको करना है, ये तीनों आंसर करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द एक्सपेक्टरस 4,152 पीपल सपोर्ट टीम एक्स, तो यहाँ पे जितने दर्शक हैं ये क्या करें, ये 4,500 पीपल सपोर्ट कर रहे हैं टीम एक्स को, 3,648 सपोर्ट कर रहे हैं टीम वाई को, हाउ मेनी स्पेक्टरस आर देयर इन द स्टेडियम, अब कितने दर्शक हैं स्टेडियम में आपको ये बताना है, तो क्या करेंगे टीम एक्स यहाँ पे ले देंगे, टीम एक्स कितना है 4,552 और टीम वाई इज इक्वल टू क्या है, कितना है आपका 3,648, अब दोनों के क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 10, 10, 7, 8, 6, 7, 78, कितने दर्शक हैं, तो 7,800। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फ्रॉम द सपोर्टर्स ऑफ टीम एक्स, कितना सपोर्टर है टीम एक्स में, 1,324 पीपल्स वन रेड शर्ट्स एंड रेस्ट वोर ब्लू शर्ट्स, हाउ मेनी सपोर्टर्स ऑफ टीम एक्स वो ब्लू शर्ट, अब क्या कितने सपोर्ट कर रहे हैं टीम एक्स को ब्लू शर्ट से, तो क्या करेंगे टोटल, हम क्या करेंगे, हम है ना टोटल कितना टीम एक्स में कितने सपोर्ट करते हैं, तो 4,100 पीपल सपोर्ट कर रहे हैं 52 पीपल, और रेड टी शर्ट कितने पहन रहे हैं, तो 1,324 में से क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 12 से नहीं जाए, यहाँ 12 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, 2, या फिर मेरा 11 हो जाएगा, 11 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ मेरा 3 हो जाएगा तो 2,822। अब हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ सॉल्व की हूँ, ठीक इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। अब सी नंबर क्वेश्चन में आएंगे,
There are 2,579 flood lights in the stadium, or 435 फ्लड लाइट्स हैव फ्यूज्ड बल्ब्स. उसमें कितने बल्ब फ्यूज हैं? फ्लड लाइट्स मतलब तेज रोशनी वाले होते हैं. तेज रोशनी से प्रकाशित जो बल्ब रहता है उसको कहते हैं. उसमें कितने बल्ब फ्यूज हैं? तो 435. उसमें से टोटल में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितने वर्किंग कंडीशन में है तो उसका निकल जाएगा. तो 2,144 क्या है, वर्किंग कंडीशन में. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. There are 25,357 people in the cricket stadium. ठीक है. Out of which 17,244 are men. Estimate the numbers of women in the stadium to the nearest 1,000. अब क्या करेंगे, इसमें से टोटल जितने पीपल है उसमें से जितने मैन हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो होती है वो क्या निकल जाएगा, वुमेन निकल जाएगी. कितनी वुमेन है तो मेरा क्या निकल गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,113. और उसको अब क्या करना है, नियरेस्ट 1,000 करना है. तो मेरा नियरेस्ट 1,000 क्या हो जाएगा, 8,000 आंसर. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ए पैसेंजर बस हैज इनफ डीजल टू ट्रेवल 400 किलोमीटर इफ इट हैज़ टू ट्रेवल 205 किलोमीटर ऑन संडे. संडे को कितना चला, 205, और मंडे को कितना चल रहा है, 182 किलोमीटर ऑन मंडे. डज इट हैव इनफ डीजल, क्या इनफ है? तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा किलोमीटर, 387 किलोमीटर. तो यस इट हैज़ इनफ डीजल. तो मेरे पास क्योंकि वो 400 किलोमीटर डीजल है उस बस में तो मेरे लिए इनफ है. अब हम आएंगे, यस इट हैज़ ए इनफ डीजल. मेरा अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. इसको अच्छे से बुक में समझ के कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट, एंड प्लीज़ कंप्लीट इट ए बुक.